फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि राजपूतों का जो बीता हुआ कल था, पास्ट था, उसमें किन किन महिलाओं का योगदान रहा और किस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे रूठी रानी के बारे में। रूठी रानी जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री और मालदेव की पत्नी थी। इनका नाम उमादे था। इनका विवाह 1536 में मालदेव के साथ हुआ। विवाह वाली रात मालदेव नशे में चूर होने के कारण उमादे के पास न जाकर दासी के पास चले गए। उमादे पहली रात ही रूठ गईं। विवाह के प्रथम दिन के पश्चात उमादे ने मालदेव का मुख कभी नहीं देखा। ऐसा माना जाता है कि 1562 में मालदेव की मृत्यु के बाद उमादेव मालदेव की पगड़ी के साथ ही सती हो गई थीं। अब बात करते हैं उस वीर रानी की जिसकी गाथाएं तो पूरा भारतवर्ष जानता है। तो चलिए अब बात करते हैं रानी पद्मिनी के बारे में और उनके जौहर की कथाओं के बारे में। पद्मिनी श्रीलंका के राजा गोवर्धन की पुत्री तथा चित्तौड़ के राजा रतन सिंह जी की पत्नी थीं। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन तांत्रिक ब्राह्मण था जिसकी पद्मिनी की ओर कुदृष्टि के कारण उसे चित्तौड़ से बाहर निकाल दिया गया। राघव चेतन ने बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ दुर्ग पर 8 वर्षों तक डेरा डाला, लेकिन दुर्ग को जीत न सका। अंत में रतन सिंह के पास संदेश भेजा कि वह सिर्फ दर्पण में रानी का चेहरा देखना चाहता है, लेकिन दर्पण में चेहरा देखते ही रानी को प्राप्त करने की लालसा और ज़्यादा हो गई। रतन सिंह जब अलाउद्दीन को विदा करने आए तो अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को कैद कर लिया और रतन सिंह के बदले पद्मिनी को मांगा। रानी पद्मिनी ने 1600 पालकियां सहित सुल्तान के खेमे की ओर कूच की। पालकियों में वीर राजपूत योद्धा थे। 1600 डोलियों में पद्मिनी की सहेलियों के भेष में राजपूत सैनिक बिठाए गए थे। 1600 पालकियां दिल्ली के शाही महलों में पहुंची तो वीर राजपूतों के घमासान मारकाट के बाद रावल रतन सिंह एवं रानी पद्मिनी को मुक्त कराकर चित्तौड़ ले आए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया। सुल्तान की सेना ने मजनिकों से किले की चट्टानों को तोड़ने का लगभग 8 महीने तक प्रयत्न किया। उन्हें कोई सफलता ना मिली। स्त्रियाँ दुश्मनों से सुरक्षित नहीं रह सकती थी तो जौहर प्रणाली से राजपूत महिलाओं और बच्चों ने धधकती हुई अग्नि में अर्पण कर दिया गया। इस कार्य के बाद किले के फाटक खोल दिए गए। राजपूतों ने केसरिया धारण किया तथा महिलाओं ने जौहर किया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पन्ना धाई के बारे में। तो चलिए देखते हैं पन्ना धाई ने किस तरीके से इतिहास में अपना योगदान दिया। पन्ना धाई चित्तौड़ के पास स्थित माताजी के पांडौली गांव की निवासी हरचंद हलका की पुत्री थीं और सूरजमल चौहान की पत्नी थी। मेवाड़ के स्वामी भक्त पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह को दासी पुत्र बनवीर से बचाया। पन्ना धाई उदय सिंह को लेकर कुंभलनेर पहुंची। वहां के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा। स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने वाली एक लौती पन्ना धाई थी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।